2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार गरमाया है। इन्हीं में से एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल सेक्युलर मिलकर लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, जिस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुप्पी तोड़ी और दावा किया ये दोनों पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कर्नाटक में एक साथ आ सकती है, लेकिन वे राज्य में कांग्रेस की संभावनाओं को दबा नहीं पाएंगी। खड़गे यही नहीं रुके, चुनावी गठजोड़ पर बात करते हुए उनका कहना था, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उन्होंने हाथ मिला लिया है। मैंने देवगौड़ा और मोदी की हाथ पकड़े हुए तस्वीर भी देखी। हो सकता है कि वे एक साथ आने की प्रयास कर रहे हों, लेकिन उनका गठबंधन कैसे होगा, दोनों के बीच कितनी सीटों का बंटवारा होगा, ये अभी साफ नहीं। हालांकि इस बात के पर्याप्त तो संकेत हैं कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। इसके अलावा जब खड़गे से ये सवाल किया गया कि क्या गठजोड़ कर कांग्रेस को दबाने की योजना है, तो इस पर उनका कहना था, हमें कोई दबा नहीं सकता। हम कर्नाटक में चुनाव में अपने दम पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया चुनाव का सामना करने के लिए एक साथ आई है। अगर 60% वोट एक साथ आते हैं तो एनडीए के साथ 40% वोट होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें सफलता मिलेगी। बता दें कि खड़गे का यह बयान बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा के उस बयान की प्रतिक्रिया थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जेडीएस के साथ समझौता करेगी। बीजेपी के इसी बयान के बाद से सियासी सरगर्मी बढ़ गई, जिस पर अब कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।